उनके संविधान में भी 1932 के खतियान का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्थानीयता को लेकर पहले ही क्लियर कर दिया है। रघुवर दास जी की सरकार में स्थानीयता को हम लोगों ने डिफाइन किया था। मुझे लगता है कि अगर जेएमएम ने यह प्रॉमिस किया है, जेएमएम ने यह अपना चुनावी घोषणा किया है कि हम लोग 1932 का खतियान लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने वादे पे अमल करने का समय अब जेएमएम के लिए आ गया है। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया या अन्य किसी दल ने क्या किया, अब ये जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने जो वादा किया है, आप अपने वादे के अनुरूप यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट सेटलमेंट ही इसका एक जरिया है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, तो आप उसको लागू कर दीजिए। आपको ऐसा लगता है 1932 का खतियान ही एक चीज़ है जिससे आपके मैनिफेस्टो को पूरा कर दिया जा सकता है, तो उसको कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीयता ठीक है, तो उसी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप कुछ कीजिए, बयानबाजी सिर्फ करके जनता को दो साल आपने ठग लिया, दिग्भ्रमित कर लिया, तो अब आपके पास समय है कि अपने बात को जनता के समक्ष प्रूव करने का। और जब आपको प्रूफ करना है तो आपकी सरकार है, बहुमत में आप हैं, आप कुछ भी फैसला लेंगे तो मेजॉरिटी के साथ वो विधानसभा के अंदर पास हो जाएगा। आप कुछ भी कानून बनाएंगे तो उसको सर्वमान्य होगा। हम लोग इसमें अपना ओपिनियन ना देके, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जेएमएम को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है। पेपर में सिर्फ अपना बयानबाजी करके चीजों को उलझाने से अच्छा होगा धरातल पे काम करना। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रेखांकित किया था राजनीति को, उस पे पहले अपना विचार करने के बाद इसको खत्म किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी कर दिया है, तो अब तो विवाद है ही नहीं उसमें। कुछ विवाद तो ये है कि जेएमएम चाह रही है कि बोल रही है कि 1932 का खतियान हम लोग लागू करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी ये मंशा है, इच्छा है, तो आप इसको समीक्षा कर ले। फ्यूचरिस्टिक फिर मैं बोलूंगा कि फ्यूचर में आने वाले दिक्कत को, समस्याओं को सबका आकलन कर लें। आने वाले दिन में इसका क्या परिणाम हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का आकलन तो सरकार को करना है। इन सब चीज़ का आकलन कर ले सरकार, और सरकार स्वतंत्र है कोई भी फैसला लेने के लिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना, मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना फैसला ले लिया, अब ये फैसला जेएमएम के हाथों होना है कि आखिर वो चाहती क्या। पिछले सरकार में बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल लाके जिस तरह काम किए थे और पूरे झारखंड में आग लग गई थी, उसी तरह फिर से देखने को मिला। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी इस चीज को डिफाइन कर दिया है। मुझे लगता है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हर लोगों ने इसको, हर वर्ग के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब ये जेएमएम की के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। आप जो चाहते हैं, आप मेजॉरिटी में हैं, उसको आप पूरा कर दें। हम लोग इसको जब डिस्कशन की बात आएगी या फिर इसमें कुछ बातें होंगी तो वो फ्यूचर की बात है। अभी तो फिलहाल आपने जो बोला है उसको आप पूरा करने का मंशा रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू जो राज्य सरकार के साथ है कि वो अपने प्रदेश की जानकारी नहीं रख रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब राज्य स्तरीय नियुक्तियां होनी है या फिर आपका जिला स्तरीय नियुक्तियां होनी है, तो इसका सबसे पहला सीक्वेंस यही है कि आप स्थानीयता को सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर ले। आपने ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थानीयता डिफाइन की उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, 1932 के खतियान को लागू भी नहीं करेंगे, और इसके किए बगैर हम नौकरी भी दे देंगे, तो सबसे बड़ा गलती सरकार कर रही है। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपने अपने अकॉर्डिंग अपना स्थानीयता को डिफाइन कर लेना चाहिए। सरकार ने नियोजन नीति को भी डिफाइन नहीं किया है। सरकार ने एक नियमावली बनाई है लेकिन नियोजन नीति अभी तक से डिफाइन नहीं किया। सरकार को नियोजन नीति को भी डिफाइन करना चाहिए, उसके बाद सरकार को नियुक्तियां निकालनी चाहिए। सरकार ये नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गलती सरकार अपने कार्यकाल में जो है वो इन तीन चीज़ों का सीक्वेंस को नहीं करते हुए खुद से कुछ बयानबाजी कर से इधर का चीज़ उधर उठा के, उधर का चीज़ इधर उठा के काम कर रही है। इसमें विवाद कैसे हो गया? विवाद इसलिए हो गया क्योंकि राज्य स्तरीय नियुक्तियों में आपको याद होगा कि अंगिका को हटा दिया गया, भोजपुरी को हटा दिया गया, मगही को हटा दिया गया, जबकि अंगिका जो है वो संथाल में बोली जाती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर संथाली बोली जाती है यहाँ पर, अगर कुरमाली गुड्डा में बोली जाती है तो अंगिका भी, उर्दू बोली जाती है तो अंगिका भी बोली जाती है। ये संथाल परगना के लोगों को, आप कोई भी शहर में चले जाएंगे, चाहे गुड्डा हो, चाहे साहिबगंज हो या दुमका हो या देवघर हो, ये
यह बहुत बड़ा इशू यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। दिक्कत कहाँ सरकार ने कर दिया, सरकार ने जिला स्तरीय नौकरियां जब की तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है धनबाद में बोकारो में, वो ये कह रहे हैं कि मगही अगर पलामू में अगर जिला स्तरीय नौकरियों में डाल दे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजपुरी का औचित्य धनबाद या बोकारो में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुरमाली यहाँ प्राथमिकता के साथ रहे, नकुरिया रहे, अंताली रहे, खोटा रहे। अगर इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं होगा और आप भोजपुरी को हम लोगों के ऊपर लाद देंगे तो ये ठीक नहीं। जो वो आंदोलनकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अगर सब जिलों का सर्वे ठीक से कर लिया होता, सब आंकड़ों को सरकार ने संग्रह कर लिया होता और आंकड़ों के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ये विवाद ही नहीं पैदा होता। ये विवाद जो पैदा हुआ है वो जेएमएम के द्वारा उत्पन्न विवाद है। इसको जो गंध जेएमएम ने मचाया है उसको साफ करना भी जेएमएम की ही जिम्मेदारी है। अब ये कहना कि भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया, ये जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी।